आपका नाम बताएंगे लोगों को? मैम मैं एक सिक्योरिटी लेडीज गार्ड हूँ। कितने साल से आप यहाँ पर काम कर रहे हो? आपकी सैलरी है वो कितनी होती है और कितने घंटे का काम होता है? पर काम क्या क्या करना होता है? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी बहुत सेफ होती है। ये जानना चाहते कि आपको ये नौकरी है ना कैसे मिली? अच्छा, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? क्वालिफिकेशन क्या है मैम? मैंने सब्सक्राइब कीजिए jobnow247.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल jobnow247.com पर। दोस्तों यूट्यूब पर पहली बार मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ लाइव सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू। कि अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देख रहे हैं इंडिया में कहीं पर भी किसी बड़े मॉल में, तो आपको ये नौकरी कैसे मिलती है, खास करके महिलाओं को ये नौकरी कैसे मिलती है, आज इस इंटरव्यू में जानेंगे डायरेक्टली सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू ही कि उनको ये नौकरी कैसे मिली, क्या उनकी सैलरी है, कितने घंटे का उनका काम रहता है, सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल jobnow247.com सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जानते हैं सिक्योरिटी गार्ड जो कि एक VVIP मॉल में है उनके थ्रू कि उनको ये नौकरी होता है उनका वो क्या रहता है, कितनी उनको सैलरी दी जाती है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। नमस्ते मैम, आपका नाम बताएंगे लोगों को? मैम मेरा नाम संगीता शर्मा है। ओके, आप कहाँ से मैम? मैम वैसे तो मैं रहने वाली बुलंदशहर की हूँ, लेकिन अब यहाँ सियानी में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो मैम आप यहाँ पर किस डेजिग्नेशन पे काम कर रही हैं? मैम मैं एक सिक्योरिटी लेडीज गार्ड हूँ। ओके ठीक है, तो कितने साल से आप यहाँ पर काम कर रही हैं मैम? मुझे 7 महीने हो गए हैं। अच्छा, 7 महीने से आप कर रही हैं। तो मैम काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सिक्योरिटी गार्ड में जो आपकी सैलरी है वो कितनी होती है और कितने घंटे का काम होता है, तो आपको यहाँ कितनी सैलरी मिल रही है? मुझे यहाँ 12,000 रुपये सैलरी मिल रही है। अच्छा, और 12 घंटे की ड्यूटी है हमारी। 12 घंटे की आपकी ड्यूटी है, ठीक है मैम। और आपको यहाँ पर काम क्या क्या करना होता है? मैम हमें मतलब लोगों को, जैसे कोई कस्टमर आता है उन्हें किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो हम लोगों को जानकारी देते हैं। अच्छा, और उनको वगैरह जो निकलती है वो उन्हें देखते हैं, और मतलब किसी को किसी शॉप के बारे में नहीं पता उनको जानकारी देते हैं कि वो शॉप वहाँ पर है। अच्छा, या उस शॉप में इस चीज़ का मतलब वर्क होता है, इस चीज़ का काम होता है, और अच्छा, कहाँ पर जाना है, किसी कस्टमर को पता नहीं होता कि मतलब खाने की चीज़ें कहाँ मिलती हैं। अच्छा, तो उनको उस दुकान के बारे में बताते कि आप सर उस दुकान पर चले जाइए आपको ये चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। अच्छा, हम उन लोगों की हेल्प करते हैं, बेसिकली लोगों की हेल्प करते हैं। और गार्ड का जो काम होता है नॉर्मल देखना, आना जाना, कुछ गलत एक्टिविटी ना हो रही हो, ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हो। अच्छा मैम, जैसे कई सारे लड़कियों को ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी सेफ नहीं होती? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी बहुत सेफ होती है। अच्छा, कि हम लोगों के ऊपर बहुत मतलब ऐसा कुछ प्रेशर भी नहीं होता। हाँ, लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, मतलब आप यहाँ पर इधर बैठते हैं ना, ये इनका ऑफिस है यहाँ पर। एक जनरल क्वेश्चन है जो कि हर किसी को रहता है, ज़्यादातर जो लोग रहते हैं ना जो नौकरी देख रहे होते हैं उनका ये क्वेश्चन रहता है कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलेगी कैसे। ये जानना चाहते कि आपको ये नौकरी है ना कैसे मिली? मैम मैं आई यहाँ पर, मुझे नौकरी की ज़रूरत थी तो मैं पहले गेट पे आई। अच्छा, तो मैंने सुपरवाइज़र से पूछा जो यहाँ पर जनरली खड़े रहते हैं। हाँ, उनसे कहा कि सर यहाँ वैकेंसी है या नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ मैडम यहाँ वैकेंसी है। अच्छा, मैंने और कहीं भी ट्राई किया था वहाँ वैकेंसी नहीं थी, मैं अपना नंबर और रिज्यूम डालाई थी वहाँ पर। अच्छा, मतलब ऐसे आप डायरेक्टली जैसे किसी मॉल से निकली और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड देखा आपने, तो वहाँ से उनसे डायरेक्टली पूछ लिया कि भैया यहाँ नौकरी है या नहीं? अच्छा, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैडम यहाँ वैकेंसी है, और जहाँ पर नहीं थी वहाँ पर आपने नंबर और रिज्यूमे दे दिया, डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर नौकरी थी, फिर आपको कॉल आया यहाँ पर, या फिर इन्होंने प्रोसीजर पूरा बताया? प्रोसीजर बताया पूरा कि आप ऐसे ऐसे आ जाना, अच्छा हमारे जो MD हैं वो आपका इंटरव्यू लेंगे। तो उन्होंने अच्छा, मेरा मुझे बुलाया। हाँ, और मैंने अपना इंटरव्यू दिया उन्हें। अच्छा, उसमें मैं क्लियरली पास हो गई। अच्छा, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? मैम कैसे क्वेश्चंस थे, कुछ हार्ड थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कि मतलब मैडम 12 घंटे की ड्यूटी आप कर पाओगी नहीं कर पाओगी? अच्छा, और इतनी सैलरी है? हाँ, मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। तो वैसे क्वालिफिकेशन क्या है मैम? मैम मैंने इंटर कर रखी है, 12th पास कर रखी है आपने। और ऐसा कोई काम वैसे यूज़ है नहीं ना कि पढ़ाओ लिखा होना ज़रूरी हो इसमें? नहीं नहीं, पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है, ज़रूरी है। हाँ, कितने तक मिनिमम कि मैडम कुछ नहीं, इंटर तो ज़रूरी चाहिए, 12th पास यहाँ पर मांगी गई इस वाले मॉल में, 12th पास रिक्वायर्ड ही है। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या थे कि आप 12 घंटे काम कर पाओगे या नहीं, और 12 घंटे की नौकरी मतलब इतनी सैलरी में आप काम कर पाओगे, बस यही सारे क्वेश्चन? यही क्वेश्चन।
और ज़्यादा हार्ड नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ। चलिए मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इंटरव्यू दिया, काफ़ी सारे लोगों को बताया कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कैसे मिलती है। तो गाइस ये यूट्यूब पर पहली बार एक ऐसी वीडियो आई है आप सभी के सामने जिसमें मैंने लाइव सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू और आपको ये भी बताया कि इस नौकरी में कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, कैसे आपको ये नौकरी मिल सकती है, क्या क्वालिफिकेशन इस नौकरी में रिक्वायर्ड होती है अगर आप किसी अच्छे बड़े मॉल में जो है नौकरी पाना चाहते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि काम कैसे करना होता है, किस कितने घंटे जो है आपको इस नौकरी में काम करना होता है, सारी चीज़ों की लाइव जानकारी दी। तो वीडियो पसंद आई तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी उन्हीं के आसपास के मॉल में नौकरी मिल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कुछ और धमाकेदार ऐसी ही वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।